क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी आदित्यनगर कॉलोनी हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि गुंडागर्दी को लेकर है। पता नहीं अब क्या गुंडे मवाली भी इस तरह का कारोबार करेंगे, यानी अब एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी तालीमी इदारों को लेकर है, क्योंकि गुंडे भी अब तालीमी इदारे खोलेंगे, बच्चों को तालीम देंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तालीम हासिल करने वाले मासूम बच्चे भी गुंडे बनकर ही बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेगा, लेकिन पता नहीं गुंडे मवाली लोग भी किस किस्म का ड्रेस पहन लेकर अपने आप को एक तालिब इल्म बताकर इस तरह से तालीम इदारे खोल लेते हैं, और जो मासूम बच्चों को तालीम देने वाले पेरेंट्स हैं उनके ऊपर गुंडागर्दी भी करते हैं, उनको मारपीट भी करते हैं, इस तरह के वाक़े भी होने लगे हैं। क्योंकि आज की हमारी ये खबर है शास्त्रीपुरम एक्सेल एड स्कूल से, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद फजल ने जो है मासूम बच्ची के वालिद को पीटा, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उनको पीटने के बाद फिर जो है मालेरदेपल्ली पुलिस को इतला दी गई, पुलिस वहाँ पर आती है, उसके बाद क्या होता है उसके नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। का जो बोला है उसने ये मुंह फोड़ेगा, नहीं नहीं मैं नहीं बुला रहा, आप बेटी को भेज दो, बेटी को भेज दो, मुझे बात ही नहीं करनी ऐसे जाहिल आदमी। गाली नहीं दी है जी, गाली नहीं दी है, जाहिल आदमी से बात ही नहीं करनी मुझे, आप भिजा दो। बच्चों को लेके जाओ भाई, आप लोग की तमीज लोग देखेंगे ना भाई, आप लोग के पास सबकी तमीज देखेंगे लोग। मैं उसकी मैं फोड़ दे तू, अब मेहरान भाई आप डोर खुलवा दो, बदतमीज सिंधी का। अरे प्रिंसिपल है, बात करने की तमीज नहीं है उसको भाई, चलो प्लीज बात करो। साला मार रहा है मुझे, ओ कैसा इधर आ, ओ भागो मत इधर आ तुम, ओ भाई ओ अबे इधर आ तू, आप कैसा मारे उनको, मेरे वीडियो में वीडियो में है तो मारे कैसे।
केस करूँ या इसके खिलाफ एक्शन लूँ। अभी आप अच्छा आप लोगों के पीछे आप लोगों के ऊपर भी केस डाले बोल के सुनने में आ रहा है? वो मुझे नहीं मालूम, अगर डाले होंगे तो मैं गलती पे होऊंगा तो गवर्नमेंट देखेगी उसको, अगर मैं सही होऊंगा तो वो गवर्नमेंट देखेगी। पुलिस और कोर्ट इसीलिए तो बनाए हैं, पब्लिक के लिए, और किस लिए बनाए हैं। सुबह में क्या वाकया, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये था, 8:40 को इनका स्कूल का गेट बंद हो जाता है, मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, तो मेरी बेटी को इन्होंने अंदर ले लिया, फिर यहाँ से डोर लॉक कर दिया। डोर लॉक करने के बाद मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा तुम आ जाओ, तो डोर नहीं खोला है, तो मैंने प्रिंसिपल सर को आवाज़ दी, मैंने कहा फजल सर इसको भिजा दिए, मैं नाश्ता करा के सामने टिफिन सेंटर है वहाँ से इसको भेज दूंगा वापस जब आप डोर खोलेंगे, तो वहाँ से ये कहने लगे चल चल निकल यहाँ से, इनका ड्राइवर है। पहले फुलझड़ियाँ उधर से छोड़ी गई आपको, जो गले में हाथ देके अंदर लेके गया, जो अभी हमने वीडियो में देखा, वो क्या किया आपको? मुझे पहले इन्होंने यहाँ से मुझे अंदर बुलाया डोर खोल के, डोर खोलने के बाद अंदर बुलाने के बाद तो आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपको कोई गर्दन में हाथ देके अंदर ले जा रहे हैं, वो कौन थे? वो फजल प्रिंसिपल थे। तो आपको मारे उन्होंने अंदर? हाँ, इनके ड्राइवर ने और इनके प्रिंसिपल ने। ड्राइवर का नाम क्या है? कैसर। कैसर वो ऐनक पे मोटे से हैं जो स्कूल की अभी वैन लेके आए, दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे भाई को ऐसे ऐसे अलग अलग इशारे करके गाली देते वो स्कूल में घुसे। तो ये सब अगर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है तो बच्चे फ्यूचर में आने वाले क्या सीखेंगे अपने बड़ों से, अपने उस्ताद, जैसे आपका सवाल था कि मेरे उस्ताद के बड़ा होता है जी। तो अगर ऐसे उस्ताद है तो बच्चों का फ्यूचर कैसे सही होगा, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। दो तीन बार मेरे से भी बदतमीजी करी इससे पहले। आप अभी बच्चों को यहाँ पर तालीम देंगे या निकाल देंगे, क्या करेंगे? मेरा दिल तो नहीं मानता, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल अगर इस तरीके से बिहेव करता है पेरेंट के साथ तो बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है? नहीं देखिए आप लोग 1.5 लाख रुपए दे के फीस भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा जो है सो असातेजा हमला करे पेरेंट्स के ऊपर तो उसको आप लोग क्या वो करेंगे उसका? इसीलिए पूरा मेरा सुबह 9 बजे से अब तक मैं ये पुलिस स्टेशन और कोर्ट का MLC पूरा 5 बजने आ रहे हैं, मैंने ना अभी कुछ लंच किया ना कुछ किया, ताकि इन लोगों को थोड़ा सबक मिले। अगर ये मेरे साथ कर सकते हैं तो कल के दिन दूसरे पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। आप लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड दूसरे स्कूल में भी ऐसे ही जो है सो हंगामे हुए, बल्कि वो बता रहे हैं अजान स्कूल का, तैयबा स्कूल का, पेरेंट्स मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं अजान स्कूल में, अभी एक कौन से पेरेंट्स का मेरे साथ घुसा रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। ठीक, आप उसको चेक करना चाहते हैं आप अजान स्कूल में जाइए, मेरा नाम मोहम्मद इरहान है, ये वीडियो में देखिए उनको कैसे खींच के लेके जा रहे, देखिए। क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है मोर लिविंग हर्बल्स का तैयार करदा हर्बल मेडिसिंस। सूखी बवासीर के लिए पिल्सकर डी, खूनी बवासीर के लिए पिल्सकर बी, फिस्टुला फिश्योर के लिए फिस्कर प्लस, तमाम हर्बल और मेडिकल स्टोर पर दस्तियाब हैं। कस्टमर केयर 7207430058।